दोस्तों टोटल धमाल का फर्स्ट डे कलेक्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आशंका लगाई जा रही थी फिल्म मणिकर्णिका और गली बॉय के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, लेकिन टोटल धमाल का फर्स्ट डे कलेक्शन उतना नहीं रहा जितना सोचा जा रहा था। अजय देवगन की फिल्में अक्सर इससे ज्यादा कलेक्शन करती है, जबकि आपको बता दें गली बॉय का पहले दिन 19.40, मणिकर्णिका का 18 करोड़ रुपए कलेक्शन था, जबकि टोटल धमाल ने पहले दिन 16.50 करोड़ की कमाई की। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय पे ये फिल्म और भी अच्छा कलेक्शन करेगी, क्योंकि इसकी कॉमेडी लिहाज से देखा जाए तो फैमिली एंटरटेनर फिल्म है और दर्शक इसे खूब देखने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका फर्स्ट डे कलेक्शन कम इसलिए आका जा रहा है कि चुनाव के कारण एग्जाम 7 फरवरी में रोटेट कर दिए गए हैं। ऐसे में पब्लिक की और बच्चों की हॉलीडे नहीं होने के कारण इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी कमतर देखने को मिली। एग्जाम टाइम होने के कारण टोटल धमाई का कलेक्शन पहले दिन कम रहा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें आने वाले समय पर यह फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी अंदाजा लगाया जा रहा है। शनिवार रविवार को फिल्म का कलेक्शन और भी ऊपर होने की आशंका है। आज दूसरे दिन कयास लगाए जा रहे हैं कि टोटल धमाल का कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रुपए हो सकता है और 2 ही दिन में फिल्म 36 करोड़ और 3 दिन में कम से कम 60 करोड़ का कलेक्शन कर जाएगी। तो दोस्तों आपको टोटल धमाल फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि बॉलीवुड की आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।